दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सएप पर लोकेशन किस तरीके से भेजा जाता है। जिसे कोई व्यक्ति आपके पास आना चाहता है तो आप उसके पास व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड कर सकते हैं और उस लोकेशन के थ्रू से वो व्यक्ति आपके पास आ सकता है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू लोकेशन सेंड करना होता है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड करने के लिए यहाँ पर हमें अपने फ़ोन में जो है व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको उस नंबर को सर्च कर लेना है जिसे आप व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड करना चाहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमने इस वाले व्हाट्सएप को ओपन कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें अटैच वाला ऑप्शन दिख रहा, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें जो है लोकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लोकेशन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अगर आपका GPS जो है डिसेबल होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उसे इनेबल करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से आपको इसे ऑन कर लेना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर अब आपको बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन मिलता है शेयर लाइव लोकेशन का और दूसरा ऑप्शन मिलता है करंट लोकेशन का। तो सबसे पहले हम लाइव लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। लाइव लोकेशन वो लोकेशन होता है जिसे मैं फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए मैं अयोध्या में हूँ और आगे मैं जब फैज़ाबाद में चला जाऊँगा तो वो हमारा लोकेशन फैज़ाबाद में दिखाई देगा। यानी जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से वो हमारा लाइव लोकेशन दिखाई देगा। और करंट लोकेशन ये होता है जैसे मान लीजिए हमने अयोध्या में लोकेशन आपको सेंड किया तो हमारा जो लोकेशन वो अयोध्या तक का ही दिखाई देगा, उसके आगे का लोकेशन जो है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये करंट लोकेशन होता है। तो इसी तरीके से आप जो लोकेशन सेंड करना चाहते हो वो आप सेंड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लाइव लोकेशन सेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली हम शेयर लाइव लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक टाइमिंग दिखाई देता है कि आप कितने देर के लिए लोकेशन यहाँ पर आप सेंड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप 15 मिनट के लिए लोकेशन सेंड कर सकते हैं, 1 घंटे के लिए लोकेशन यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं और 8 घंटे के लिए आप लोकेशन सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो लोकेशन है वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई एक टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए लोकेशन यहाँ पर सेंड करने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए कि यहाँ पर आप इसी रोड से आइए, यहाँ पर आप इस तरीके से कोई कमेंट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तुरंत वो लाइव लोकेशन शेयर हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लोकेशन के थ्रू कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है।